नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2022 अपाची आरटीआर 164B एचपी आरएम ड्यूअल डिस्क वेरिएंट के बारे में। अपाची आरटीआर 164B जो है टोटल चार वेरिएंट के साथ आता है, सिंगल डिस्क, ड्यूअल डिस्क, ड्यूअल डिस्क विद बीटी और एक जो है आपका स्पेशल एडिशन आता है। स्पेशल एडिशन का वीडियो हाल फिल में मैं शूट किया था, तो आप लोग अगर नहीं देखे तो आई बटन से आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। आई बटन में अगर नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको स्पेशल एडिशन अप टू डेट प्राइस के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो वेरिएंट है ये है ड्यूअल डिस्क वेरिएंट। इसका सामने में भी डिस है, पीछे में भी डिस है। कलर स्कीम की अगर बात करें तो टोटल तीन कलर स्कीम के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलता है अपाची आरटीआर 164B। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है ब्लैक, पूरा ग्लॉस ब्लैक। इसको छोड़ के और दो कलर आता है, एक जो है आपका रेड आता है और एक जो है आपका ब्लू आता है। तो तीनों कलर स्कीम का फोटो जो है आपका स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी। प्राइस की अगर बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये जो ड्यूअल डिस्क वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस है 1,23,755 रुपीस अप्रॉक्स एक शोरूम कोलकाता प्राइस। ऑन रोड कीमत की अगर बात करें तो लगभग 1.51 लाख के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। बाकी इसका जो एकदम बेस वेरियंट है, जो सिंगल डिस्क वेरियंट है, उसका प्राइस है लगभग 1.49 लाख के आसपास आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। बाकी 1.50 से 1.52 लाख के बीच में ये ड्यूअल डिस्क इनका प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस बाइक का एक फ्रेश डिटेल वॉक अराउंड। तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी यहाँ पे आपको पूरा वेब की मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो टीवीएस का। ये चीज मेरे को काफी अच्छा लगता है, पूरा वेब की यहाँ पे दी गई है। और एक चीज टीवीएस का जो मेरे को अच्छा लगता है वो है यहाँ पे इंडियन फ्लैग जो है, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है कि टीवीएस उसका हर बाइक हर स्कूटर में जो है इंडियन फ्लैग जरूर यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इग्निशन को मैं यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ। फर्स्ट आपका सामने में एलईडी डीआरएल आपको जलता हुआ दिखेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इनफैक्ट एलईडी डीआरएल के ऊपर अटेंशन टू डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टीवीएस का लोगो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी ये जो डीआरएल एंड इसका जो लो बीम है ये आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो। अभी जो देखिए इसका लो बीम जो है ये ऑन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच दी गई है जिसके थ्रू आप इसका जो मेन हेडलाइट है ये आप ऑन कर सकते हो। तो अभी देखिए इसका जो लो बीम है ये ऑन है और ये जो डीआरएल आप देख पा रहे हो अभी थोड़ा डिम हो चुका है। बाकी इंडिकेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बल्ब इंडिकेटर दी गई है, फ्लेक्सिबल की तरफ दिखता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। नंबर प्लेट जो है ठीक सामने में यहाँ पे इस बाइक का नंबर प्लेट फिट हो जाएगा। एंड हाइट का जो वाइजर आप देख पा रहे हो पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है, कंपनी फिटेड आपको फोक प्रोटेक्टर भी मिल जाता है। तो डस्ट वगैरह जो है ये ऑयल सील जो है ना, इसका जो ऑयल सील रहता है इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है ये फोक प्रोटेक्टर। बाकी मडगार्ड जो है यहाँ पे आपको फाइबर का मडगार्ड दी गई है, सिंगल पीस मडगार्ड है। टीवीएस रेसिंग का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग दिख रहा होगा, सुपर मोटो एबीएस का स्टिकरिंग भी आपको साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा। डिस्क की अगर बात करें तो 270mm का आपको पेटल डिस्क मिलता है। हाई गेस है, टीवीएस खुद का कैलिपर यूज करते हैं, कोई भी ब्रांडिंग तो कैलिपर के ऊपर है नहीं। सिंगल चैनल एबीएस के साथ ही आता है। सामने में आपको यहाँ पे एबीएस का सेंसर, एबीएस का रिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। टीवीएस रेसिंग का पूरा स्टिकरिंग आपको रिम के ऊपर दिख रहा होगा। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेक्शन की अगर बात करें तो 90x90 17 का आपको टीवीएस टायर, टीवीएस रिमोरा का टायर एक्चुअली यहाँ पे यूज़ की गई है। तो टायर पैटर्न आपको कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 12 लीटर का आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। माइलेज की अगर बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इस बाइक से आपको मिल सकता है, 40 आप एवरेज पकड़ के चलिए। सिल्वर फिनिश में 3D टीवीएस का लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी ये जो पोर्शन है ये भी काफ़ी स्टाइलिश दिखता है, यहाँ पे रेसिंग फ्लैग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और टैंक पोर्शन जो है आपको ड्यूअल टोन कलर में ये टैंक पोर्शन आपको देखने को मिलता है। इधर है ब्लैक, बीच में है आपका व्हाइट पोर्शन, इधर है दोबारा ब्लैक। आरटीआर 160 का 3D बैजिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। माइलेज ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। अभी सीट प्रोफाइल की अगर बात करें तो सीट यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिलता है, स्प्लिट सीट जैसा सेटअप यहाँ पे दी गई है, लेकिन ये जो है सिंगल सीट है। कार्बन फाइबर टेक्सचर वाला फिनिश आपको सीट कवर के ऊपर भी दिख रहा होगा और काफी सॉफ्ट है। आप मतलब इसको लेके वीकेंड टूर वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो। चलिए अभी इंजन के बारे में बात करते हैं। तो इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल B6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन यहाँ पे दी गई, जो 4-valve टेक्नोलॉजी के साथ आता है, डेफिनेटली SOSC लेआउट है। पावर फिगर की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको तीन मोड मिलता है, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे इसका का पावर फिगर की बात करें तो सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, लाइक 160 cc वाइज 17.55 PS का मैक्स पावर मिलता है स्पोर्ट मोड में और 14.73 Nm का टॉर्क मिल जाता है स्पोर्ट मोड में। वही अगर इसका
रेन एंड अर्बन मोड की बात करें तो इसमें आपको 15.64 पीएस का पावर मिलता है, 14.14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है रेन एंड अर्बन मोड में। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, कोई भी किक स्टार्ट आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये बाइक जिस फ्रेम के ऊपर बैठा गया है वो है डबल क्रैडल स्प्लिट सिंको स्टिफ फ्रेम यहाँ पे यूज की गई है। बाकी कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कंपनी फिटेड आपको क्रैश गार्ड भी दिख रहा होगा। नीचे में आपको इंजन काउल भी मिल जाता है जो डेफिनेटली फाइबर का बनाया है। हाइपर एज का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और इसमें बोस का फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ की है जिसके कारण इस बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी तगड़ा है। रबर कोटेड फुटपेक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी एग्जॉस्ट जो है आपको यहाँ पे डबल बैरल या फिर डुअल बैरल आप बोल सकते हो, डुअल बैरल एग्जॉस्ट यहाँ पे दी गई है जिसका एग्जॉस्ट नोट जो है काफ़ी सही है, काफ़ी स्पोर्टी है। पीछे में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है जो डेफिनेटली एडजस्टेबल है। अपाची का ब्रांडिंग आपको साइड पे यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये पूरा आपको सिल्वर या फिर एश फिनिश आप बोल सकते हो यहाँ पे दी गई है। इस बाइक का अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो मैसिव 180 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, 146 kg। सीट हाइट की अगर बात करें तो लगभग 800 mm के आसपास इसका सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'5" भी है तब भी आप इस बाइक को डेफिनेटली चला पाएंगे। बाकी ऑयल कूलिंग सिस्टम आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो लगभग 3-pin ऑयल कूलिंग सिस्टम यहाँ पे दी गई है। और इसका जो हॉर्न जो है ना वो भी काफ़ी तगड़ा है। आई गेस यहाँ पे डुअल हॉर्न यहाँ पे मिलता है, इधर एक हॉर्न और इधर एक हॉर्न। 5 स्पीड गियरबॉक्स है तो यहाँ पे आपको 2 शिफ्टर मिलता है, कोई भी हिल शिफ्टर आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। साइड स्टैंड एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी दी गई है, मिडिल स्टैंड भी इस बाइक में आपको मिलता है। और साइड स्टैंड अगर गिरा रहेगा तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी शो करेगा, यहाँ पे शो करता है साइड स्टैंड अगर गिरा रहता है। टेल लाइट की अगर बात करें तो एक बार ऑन करते इग्निशन को LED टेल लाइट दी गई है। और सीट ओपन करने के लिए बेसिकली यहाँ से आपको चाबी लगाना पड़ेगा तब सीट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ग्रैब ग्रिल भी आप देख पा रहे हो, काफ़ी स्पोर्टी बैटमैन स्टाइल ग्रैब ग्रिल यहाँ पे दी गई है। RTR 164B का आपको ब्रांडिंग साइड पे दिख रहा होगा। और रियर डिस्क की अगर बात करें तो 200 mm का आपको पेतल डिस्क मिलता है। पीछे में आपको कोई भी RLP या फिर ABS सेंसर जो है नहीं देखने को मिलता है। बॉक्स कटिंग स्विंगम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और रियर टायर जो है वो स्पेशल है क्योंकि इसमें आपको रेडियल टायर मिलता है जो TVS का खुद का टायर है। सेक्शन की अगर बात करें तो 130 बाई 17 का आपको ट्यूबलेस विथ रेडियल टायर मिलता है। और टायर पैटर्न आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी इधर भी आपको एक छोटा मडगार्ड दी गई है, आपका सस्पेंशन जो है मतलब गंदा नहीं होगा। बाकी टायर हगर भी पीछे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। RTR का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे पीछे में दिख रहा होगा। इधर आपका इंडिकेटर भी दिख रहा होगा, आपको बल्ब इंडिकेटर दी गई है। नंबर प्लेट का जो लाइट है वो भी यहाँ पे आपको बल्ब में मिलता है। रिफ्लेक्टर आपको हर जगह दिख रहा होगा। इधर आपको मिल जाता है साड़ी गार्ड, आपको लेडीज़ फुट रेस्ट भी यहाँ पे दिख रहा होगा, कंपनी फिटेड मिल जाता है। ओपन चेन है तो लगभग 500-600 किलोमीटर के बाद आपको चेन वॉश एंड लुब्रिकेट करना पड़ेगा। TVS रेसिंग का स्टिकरिंग भी आपको रिम के ऊपर दिख रहा होगा। बाकी चलिए एक बार हैंडल बार की तरफ आते हैं। हैंडल बार यहाँ पे आपको पूरा मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। और डेफिनेटली हैंडल बार जो है वाइड हैंडल बार है, आप राइड जब करोगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबली इस बाइक को चला सकते हो। इधर से आप मोड वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। ये मोड स्विच का अगर आप दबाओगे, अभी जो है स्पोर्ट मोड पे है, इधर है आपका रेन, इधर है आपका अर्बन, दोबारा जो है स्पोर्ट मोड पे आ चुका है। तो स्पोर्ट मोड मतलब मोड बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इंजन किल स्विच यहाँ पे दी गई है। ये जो है DRL एंड लो बीम जो है ऑन ऑफ कर सकते हो इसके थ्रू। और ये जो है सेल बटन, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच और हॉर्न, हॉर्न जो है डेफिनेटली लाउड है। और दिस इज़ द डिपर बटन। और क्लच की अगर बात करें तो क्लच भी लाइट है, 160cc वाइस क्लच काफ़ी लाइट है। लेकिन मेरे को सबसे ज़्यादा जिसका क्लच अच्छा लगता है वो है पल्सर N160, उसका क्लच जो है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट क्लच है। बाकी मिरर से भी आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो पूरा ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी गई है। इसमें आपको कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है टैकोमीटर, इधर आपका किलोमीटर पर आवर टाइम शो करता है। ओडो यहाँ पे स्विच दी गई है, वो ट्रिप 1, ट्रिप 2, हाई स्पीड लास्ट कितना आप उठाए थे, उसके बाद जो है 0-60 कितना सेकंड पे गया है। एंड इधर जो है आपका स्पोर्ट मोड, अर्बन मोड यहाँ पे कौन सा मोड पे है वो शो करता है। इधर आपका साइड स्टैंड गिरा है तो साइड स्टैंड शो करता है। और कुछ मिलता है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। सर्विस रिमाइंडर भी यहाँ पे शो करता है और बैटरी भी, बैटरी सिग्नल भी यहाँ पे शो करता है। बाकी दो स्विच दी गई, मेनू एंड सिलेक्ट बटन, हाई शिफ्ट RPM लिमिटर का यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा होगा। बाकी टेल लाइट्स की अगर बात करें तो इधर आपको मिल जाता है इंडिकेटर का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, ABS का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, TVS का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यूट्रल का सिग्नल, रिजर्व लाइट, और इधर भी आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिल जाता है। चलिए अभी इसको एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं।
स्पोर्टी साउंड है। अब बेस है इसका, साउंड में एक्चुअली बेस है, और बाकी आप इसका मतलब रिफाइनमेंट आप चेक कर सकते हो। गाड़ी में वाइब्रेशन भी बहुत ही कम है, और फ्रंट हेडलाइट का सेटअप आपको कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए इसका DRL को थोड़ा डिम करते हैं और इसका हाई बीम भी दिखाते हैं, तो सामने से इस बाइक का लुक्स आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अभी इसका इग्निशन को करते हैं बंद। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अभी फेस्टिवल सीजन में बहुत सारा ऑफर वगैरह जो है हर शोरूम पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में डेफिनेटली कॉल कर सकते हो, लेकिन आप अगर बाहर का स्टेट से देख रहे हो, वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टेट से देख रहे हो, तब आपका नियरेस्ट शोरूम के पास आप जरूर जाके विजिट कर सकते हो, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री रोड टैक्स अलग होता है, RTO चार्जेस वगैरह जो है अलग होता है, तो ऑन रोड प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका स्टेट में प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपका स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले तो यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको TVS का हर बाइक मिल जाएगा, हर प्रोडक्ट TVS का मिल जाएगा, इनफैक्ट टेस्ट राइड भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस, टाटा।